Do you dream of serving your motherland by joining the Indian armed forces then we are here to help you subscribe to our youtube channel cbl defense for all the relevant content related to defense examinations or log on to our website www.chetanbharat.com we also have an android app to help you realize your dream of wearing the uniform of indian armed forces Hello everyone welcome to Chetan Bharat learning and welcome to our series Ace defense exams with CBL So guys we have started this series in which every weekend we give you a test a 30 question test on the pattern of combined defense services exams in which 10 questions are from gk 10 questions are from english and 10 questions are from the maths portion elementary mathematics portion and during the course of next week we discuss uh, these questions with you people the idea was uh, we should somehow be able to help you do MCQ practice because it is very 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 important important as far as our performance in the actual test is concerned. Many times what happens कि हम पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन MCQ practice नहीं करते तो exam देने जाते हैं तो काफी uh, let's say deficient से हम महसूस करते हैं कि क्या कमी रह गई वो कमी होती है एम सी क्यू प्रैक्टिस की तो उसी चीज के लिए हमने हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए सोचा कि हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें वीकली बेसिस पे हम बच्चों का एक छोटा सा माइक्रो सा टेस्ट ले लेंगे एंड ओवर कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे तो इसी सीरीज को हम बोल रहे हैं एस डिफेंस एग्जाम्स विद सी तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जी रिलेटेड क्वेश्चन तो डेली डोज ऑफ एम में आज हम जी के क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे देन मैथ्स वाले सर आपके साथ मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंग्लिश वाले सर आपके साथ इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इस तरह से हमने ये सीरीज प्लान की है तो इसी तरह का और भी एक्साइटिंग कंटेंट आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट चेतन पे डॉट कॉम या किसी भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हमारी सीरीज के बारे में तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन फ़र्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का द टाउन ऑफ चिस्त फ्रॉम विच दूफ़ी चिश्ती सिलसिला डेराइव इट्स नेम इज़ लोकेटेड इन ये चिश्त टाउन जहाँ से चिश्ती सूफी सिलसिला ने अपना नेम डराइव किया है कहाँ लोकेटेड है ये ए वेस्टर्न टर्की बी सेंट्रल अफगानिस्तान सी ईस्टर्न ईरान या डी ईस्टर्न इराक इसी साल के सी डी एस के ये क्वेश्चन हैं सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बताइए बच्चे क्या आंसर होना चाहिए इसका मेक अ गेस एंड यू कैन राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन और इन द लाइव चैट करेक्ट आंसर है इसका सेंट्रल अफगानिस्तान चिश्त मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो इंडिया में पहले uh, पहले सूफी सेंट माने गए हैं इस सिलसिला के ये जो सिलसिला है अपनी बैकग्राउंड ट्रेन ट्रेस करता है टू तो द टाउन ऑफ चिस्त इन सेंट्रल अफगानिस्तान हेरात प्रोविंस में है ये टाउन ऑफ चिस्त नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन द रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप इन्वॉल्विंग कलेक्टिव रिसाइटेशन वर ऑर्गेनाइज बाय ए गुरु नानक बी गुरु अंगद सी गुरु अर्जुन या डी गुरु गोबिंद सिंह तो ये जो संगत के कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप के रूल्स थे कौन से सिख गुरु ने ऑर्गेनाइज uh, किए थे तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन मेक अ गेस्ट एंड यू कैन राइट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन इसका आंसर है फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंगस् दी फॉलोइंग बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ क्वेक हज़ार जो स्पेसिफाइड बाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर अर्थ क्वेक आता है तो इन अकॉर्डेंस विद द अर्थ क्वेक हज़ार जोन जो कि जी एस आई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने uh, दिया है हमें उसके हिसाब से इनमें से कौन ज़्यादा रिस्क पे है शाहजी एट सिकंदराबाद काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चन था ये रणबीर ऐट इंदौर मालती एट पिथौरागढ़ या मैत्री एट भुवनेश्वर द आइडिएज आपने यहाँ पर फोकस करना है ये तो ऐसे ही रैंडम नेम्स इन्होंने दिए हुए हैं चार लोकेशंस दी हुई हैं हमें एंड पूछा गया है कि, कि किस लोकेशन पे लाइक संबड़ी यहाँ पर रैंडम पर्सनस के नाम दिए गए हैं अ पर्सन लोकेटेड एट विच लोकेशन वुड बी एट मोर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक हज़ार जोन मैपिंग मैप एज गिवन बाई जी एस आई तो सिकंदराबाद हैदराबाद वाले रीजन में तेलंगाना वाले रीजन में इंदौर वेस्टर्न एम पी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में एंड भुवनेश्वर उड़ीसा में अब इन स्टेट्स को अगर हम ध्यान से देखें एंड अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से वलरेबिलिटी देखें तो हिमालयन जोन अर्थक्वेक प्रोन जोन है ज्यादा अर्थक्वेक आने की प्रोबेबिलिटी हिमालयन जोन में उत्तराखंड वाले रीजन में है तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी मालती एट पिथौरागढ़ नेक्स्ट द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी प्रोडोमिनेटली फोकस्ड अगर ड्रॉट प्रोन रीजन्स के लिए सरकार प्लान बनाना चाहती है तो किस रीजन के ऊपर फोकस करेगी कोस्टल आंध्र प्रदेश गंगा प्लेन्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स या फिर कच्छ रीजन ड्राई एरिड या सेमी रीड एरिड रीजन होना चाहिए ड्रॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इनमें से कौन सा रीजन सूट कर रहा है करेक्ट आंसर है इसका डी सॉरी कच्छ रीजन नेक्स्ट फोर पर्सन आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट states ऑफ इंडिया टू whom विल यू advise टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ब्लिजर्ड्स काफ़ी ही इनोवेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सी डी एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले एग्जाम में दिस बींग वन ऑफ दैम कि अगर मतलब चार लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ट्रेवल कर रहे हैं किसको आप एडवाइस करोगे भाई अपने आप को ब्लिजर्ड से बचा कर रखना है ब्लिजर्ड्स क्या है वेरी कोल्ड विंड्स विंटर सीजन में जो ब्लो करती हैं कोल्ड वेव जिनके साथ एसोसिएटेड होती है किस को किसको आप एडवाइस करेंगे पर्सन टू अरुणाचल प्रदेश पर्सन ट्रैवलिंग टू असम पर्सन ट्रेवलिंग टू त्रिपुरा या पर्सन ट्रेवलिंग टू ओडिशा वेरी कोल्ड विंड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए पर्सन ट्रेवलिंग टू अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स नॉट ट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर प्लांटेशन बड़ी बड़ी प्लांटेशन इनमें से कौन सी स्टेट के लिए नहीं जानी, जानी, नहीं जानी जाती राजस्थान असम नागालैंड या फिर केरला बताइए क्या आंसर होना चाहिए देखो कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव चैट में जहां भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं करेक्ट आंसर है इसका ए राजस्थान राजस्थान में ऐसे कोई बहुत प्लांटेशंस वगैरह नहीं है बाकी स्टेट्स में प्लांटेशंस पाई जाती हैं नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय द अटल टनल कहाँ बनी है अटल टनल मनाली के आगे टू द नॉर्थ ऑफ मनाली आ, सोलांग वैली में रोहतांग पास को बाईपास किया है अटल टनल ने तो मनाली से ले ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाने की एक कोशिश है हमारी अटल टनल एंड मनाली से ले का डिस्टेंस ये रिड्यूस करती है अदरवाइज रोहतांग पास घूम के ऊपर से जाना पड़ता था तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा आपका सी मनाली टू ले ऑप्शन थी इसकी बगडोगरा टू गंगटोक, जम्मू टू श्रीनगर मनाली टू ले ईटानगर टू तवांग। तो अटल टनल मनाली टू ले का डिस्टेंस रिड्यूस करती है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फेयर रिजर्व कम्प्राइजिस आईलैंड विद एस्टरीज बीचिस कोरल रीफ सॉल्ट मार्श एंड मैंग्रोव एस्चरीज भी हों बीच भी हों कोरल रीफ्स भी हों सॉल्ट मार्श भी हों मैंग्रोव भी हों नीलगिरी तो काट ही दे मैंग्रोव कहां से आए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व तो बिल्कुल ही काट दे, तो बिल्कुल ही हिमालय में पहुंच गए हम बचे दो नीचे सुंदरबंस या गल्फ ऑफ मन्नार अब यहाँ कैसे एलिमिनेट करेंगे सुंदरबंस की अगर हम बात करें तो गंगा आ, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का कंबाइंड डेल्टा है यहाँ फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स है सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं डेल्टा बाय इट्स वेरी नेचर की यहाँ पर सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो क्या उन कंडीशंस में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं कोरल रीफ्स वहाँ नहीं पाए जाते बाकी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें तो आप कॉमन सी बोल सकते हो लेकिन कोरल रीव्स एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर रहेगा इसके बेसिस पे आंसर क्या होना चाहिए ए ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगी गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु एंड श्रीलंका के बीच में मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तो दैट्स द राइट आंसर नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने बताने कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है दिट्यूशन एट्टी फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट हैज इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ए आर्टिकल ट्वेंटी टू टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज रिट जोरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स इज वाइडर दैन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाँ जी बताइए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है आप सोच सकते हैं यू कैन टेक फाइव टू टेन सेकेंड्स टू थिंक अबाउट द आंसर बिफोर आई गो ऑन टू द डिस्कशन ऑफ दिस क्वेश्चन नीचे से स्टार्ट करते हैं रूट जूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स वाइडर देन द दे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक बात है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स रिट्स इशू कर सकती हैं एंड ये रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए ही नहीं बाकी अदर लीगल राइट्स के लिए भी रिट्स इशू कर सकती है कोर्ट अंडर आर्टिकल बट अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट हैजार फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल एंड अदरवाइज भी हाई कोर्ट्स जो हिस्टोरिकली जिस तरह से इवॉल्व हुई है ब्रिटिश टाइम्स में हाईकोर्ट्स के बाद काफी वाइड पार्स हैं एज फार एज द रिट जूरिस्टिक्शन इज कंसर्न तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज इज इन पार्ट थ्री पार्ट थ्री है फंडामेंटल उसमें उसमेंटी टू बिल्कुल थ्री में है है 22, है 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 ये ये भी ठीक ठीक बिल्कुल बात बोल रहा कि इसने RTE insert किया है, article की form में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्या गलत है इसमें आर टी ई डेफिनेटली अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट हुआ है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में ही इंसर्ट हुआ है लेकिन अमेंडमेंट कौन सी थी वो एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर लिखा हुआ है एट्टी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो ये इसमें एरर था इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड यही हमारा आंसर रहेगी क्योंकि हमने नॉट करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी नेक्स्ट सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इन करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है इट वॉज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च नाइनटीन फोर्टी टू इट प्रपोज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी फ्रेम्ड बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन पीपल सी एनी प्रोविंस विच वॉज नॉट प्रिपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स प्रोविजन एग्जिस्टिंग एट दास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट कुड एंटर इन टू अट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेजमेंट विद एनी ऑफ दिंग प्रोविंस बताओ भाई ये भी टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आप रख सकते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्च 1942 में भेजा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये जब वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी इंडियन लीडर्स को ऑपरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो इंडियन लीडर्स को प्लेकेट करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा जाता है 1942 में मार्च 1942 में मिशन प्रपोज क्या करता है कि भाई इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकता है ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन फ्रेम करेगा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स इलेक्टेड होंगे एंड इंडियन पीपल मतलब इंडियंस इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड इंडियंस ही इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे क्या ये प्रपोज किया था इसने बिल्कुल किया था इस हालांकि इस स्टेटमेंट के कंटेक्स में कुछ आपको डिफरेंट सोर्सेज में कंफ्लिक्ट uh, ओपिनियंस मिल सकते हैं बट ये करेक्ट स्टेटमेंट है ग्रिप्स मिशन ने इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी इंडियंस द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी जिसके मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे एंड कुछ प्रिंसिस द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे प्रॉब्लम ये नहीं थी प्रॉब्लम ये थी कि क्रिप्स ने बोला था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉर के बाद बनेगी एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने तो उसके बाद हम असेंबली बनाएंगे इस पॉइंट पे कांग्रेस लीडर्स को ऑब्जेक्शन थी महात्मा गांधी कहते हैं कि यार ये तुम पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो वॉर खत्म होते तक पता नहीं ब्रिटेन बचे ना बचे तुम्हें आज हमारी हेल्प की जरूरत है वादा कर रहे हो तुम कि वॉर के बाद इस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना देंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट था ये नहीं था कि उसने बोला था कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनेगी तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है एनी प्रोविंस विच वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम ये एक वन ऑफ़ दी प्रोविजन ऑफ दी क्रिप्स मिशन था क्रिप्स क्रिप्स प्रपोजल था ये कि इसे भी बोलते हैं प्रोविंशियल ऑप्ट आउट क्लॉज प्रोविंस के पास ये अथॉरिटी थी जो क्रिप्स ने प्रपोज किया था कि प्रोविंस को हम ये पावर देंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होगी जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी लेकिन अगर कोई प्रोविंस उस कॉन्स्टिट्यूशन से खुश नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लिखा है तो वो प्रोविंस ऑप्ट आउट कर सकता है यार मुझे नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए अब ये तो ब्रिटिश ने हर प्रोविंस को पावर दे दी कि आप इंडिया को तोड़ के रख दो हर प्रोविंस बोल सकता है कि मुझे नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए मुझे तो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इसलिए भी कांग्रेस लीडर्स ने ऑब्जेक्ट किया था कि हमें नहीं ये प्लान पसंद आया प्रोविंशियल ऑप्ट आउट क्लॉज तो

ऊपर वाला पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया ऑप्शन सी आप लोगों को समझ आ गई कि भाई किसी प्रोविंस के पास किसी भी प्रोविंस के पास ये ऑप्शन थी कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि मुझे ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं है जो मेरा अर्लियर अरेंजमेंट चल रहा है अभी के लिए आप उसी अरेंजमेंट को कंटिन्यू करो एंड देन एट लेटर स्टेज मैं अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से अपने लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी लिख सकता हूँ ऐसा क्रिप्स ने ऐसा क्रिप्स ने बोला था अब इसी कंटेक्स्ट में क्या होगा आप सिचुएशन उसने एनविजन की कि कुछ प्रोविंसेस तो ऐसे होंगे जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट कर लेंगे मान लेंगे कि हाँ जी हमें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मंजूर है वो एसीडिंग हो होंगे कि हाँ जी ये हमें मंजूर है कुछ प्रोविंसेस हो सकता है प्रॉब्लमेटिक प्रोविसेज हों वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट ना करें वो नॉन एक्सीडिंग प्रोविंस हो गए नॉन एक्सीडिंग प्रोविंस हो गए एक्सीडिंग प्रोविंसेस जो मान गए नॉन एक्सीडिंग प्रोविंस जो नहीं माने तो क्रिप्स ने ये बोला था कि यार जो तो मान गए उन्होंने तो अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख ही लिया उनको तो हम एक तरह से आजादी दे, दे देंगे ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे कुछ भी कर देंगे आगे उनका क्या करेंगे जिन्होंने अपने आप को वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया जो कह रहे हैं कि हमें नहीं ये मंजूर जो नॉन असीडिंग प्रोविंसेस हैं उनके कांटेक्स्ट में क्रिप्स ने ये बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उन प्रोविंसेस के साथ ये जो असीडिंग लिखा है यहां पर आना था नॉन असीडिंग कि जो लोग नहीं माने उन लोगों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई सेपरेट एग्रीमेंट कर सकती है कि यार अब बताओ तुम्हारा क्या करें तुमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो एक्सेप्ट किया नहीं अब तुम्हारा क्या करें ये थे क्रिप्स के प्रपोजल्स तो हैंस दी शुड बी दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो इसके साथ हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं तो आई होप ये जो सेशन uh, था आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा कुछ नई चीज़ें पता लगी होंगी आपको जी के के कंटेक्स में तो इसी तरह से हम रेगुलरली आपके साथ आते रहेंगे एंड क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थैंक यू